नमस्कार, आप देख रहे हैं दशक न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। भवानीपुर के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्या 2 जून को निवास स्थान पर गोली मार कर कर दी गई थी। पूर्व विधायक भीमा भारती के पति पूर्व प्रमुख अवधेश मंडल पूर्णिया जेल में आत्मसमर्पण के बाद जेल में है, जबकि उसका पुत्र राजा कुमार फरार चल रहा है। फरार होने के बाद 4 जुलाई को भिट्टा एवं भवानीपुर स्थित उसके घर पर इश्तेहार चिपकाए गए थे। इश्तेहार चिपकाने के बाद पूर्व विधायक भीमा भारती के पति आत्मसमर्पण किए थे, लेकिन उनका पुत्र राजा कुमार अभी तक फरार चल रहा था। कोर्ट के निर्देश के आलोक में शुक्रवार को भवानीपुर थाना, बलिया थाना, अकबरपुर थाना, रुपौली थाना, मोहनपुर थाना, टेकापट्टी थाना, बीकोठी थाना एवं रघुवंश नगर थाने के साथ साथ पूर्णिया से एक दर्जन से अधिक महिला पुरुष बल के साफूल के भिट्टा स्थित गांव में कुर्की की गई। कुर्की दिन के 11 से समाचार लेके जाने तक घर के चौखट तिवारी खिड़की को तोड़ा जा रहा था, जबकि घर से पलंग सोफा टेबल एवं ओढ़नी बचाने के सारे सामान को एकत्रित कर अकबरपुर थाने में ट्रैक्टर टेलर से भेजा जा रहा था। जबकि इस कांड के 4 अभियुक्त को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अवधेश मंडल आत्मसमर्पण किए थे और राजा फरार चल रहा है, जबकि पुलिस बार बार 3 लोगों का और संलिप्त होने की चर्चा की थी, जो आज तक पहेली बनी हुई है। आखिर पुलिस किस दवा में आकर इस 3 व्यक्ति का नाम उजागर ना कर रही है, ना उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है। इस बात से पुलिस संदेश के घेरे में आती है। तोड़ जारी था रक्या तारीख को, उसके आय हिसार के लिए निकलो ना को भवानीपुर पुलिस ने रिमांड पर भवानीपुर थाना लाने का काम किया। शुक्रवार की देर संध्या रिमांड पर भवानीपुर थाना लाए गए पूर्व प्रमुख अवधेश मंडल से शनिवार को भवानीपुर थाने में घंटों पूछताछ की गई। धमदाहा SDPO संदीप गोल्डी, धमदाहा अंचल पुलिस निरीक्षक गौरख बैठा, रुपौली थानाध्यक्ष अमजद अली ने घंटों तक पूछताछ करने तक काम किया। हालांकि पूछताछ में पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं आया। धमदाहा SDPO संदीप गोल्डी ने बताया कि पूछताछ में पूर्व प्रमुख से कोई सुराग नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि रिमांड पर लिए गए पूर्व प्रमुख को वापस न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताते चलें कि भवानीपुर के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका के बीते 2 जून को उसके घर में घुसकर गोली मार दी गई थी। इस बहुचर्चित हत्याकांड में पुलिस ने पूर्व विधायक भीमा भारती के पति अवधेश मंडल पुत्र राजा कुमार को साजिशकर्ता बताते हुए नामजद किया है। वहीं इस घटना में विशाल राय और ब्रजेश यादव को शूटर एवं संजय भगत को व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्या करवाने की सुपारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोई मिल गया पूर्व विधायक भीमा भारती के घर पर कुर्की चल रही है भिट्ठा में। ये एक हत्या का मामला था जिसमें उनके पुत्र का, जो पूर्व विधायक, उनके पुत्र का भी नाम आया था उसमें। उसमें अनुसंधान क्रम में बाकी लोग ने सरेंडर कर लिए थे, कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। उनके विरुद्ध, उनके पुत्र के विरुद्ध कुर्की निकाला गया था, लेकिन वो तो सरेंडर नहीं किए थे, इसलिए आज कुर्की का एग्जीक्यूशन कराया जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन कुर्की निकला हुआ था और कोर्ट का आदेश से निकला हुआ था, तो उस पर आज उसे तमिला कराया जा रहा है, विधिवत कुर्की की जा रही है। इसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी की हम लोग कोशिश करेंगे और जल्दी गिरफ्तार करेंगे। कुर्की का आदेश बहुत स्पेसिफिक होता है, जहाँ इश्तेहार लगाया जाता है उसका जो इतनी संपत्ति होती है वो उस पर कुर्की किया जाता है, और वही क्या चल रहा है अभी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी हम लोग कोशिश करेंगे और जल्द ही गिरफ्तार कराएंगे।